आप सबका एसी चार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास की करवा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन मैं थर्ड करवा रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा कि के की वैल्यू निकालिए अगर एक्स माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है। पता बच्चों फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी हम पीएक्स ले रहे हैं उसका जो रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। अभी खाली ये चीज समझ लो, जीरो होगा। अगर आपको फैक्टर के बारे में और डिटेल चाहिए तो पुरानी वीडियो देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा। मैंने उसमें बताया डिविडेंड डिवाइडर वगैरह सब कुछ बता रहेगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमसे पूछा गया के की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? के की। तो पीएक्स इक्वल टू कितना गिवन नाम है? पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। हमने पीएक्स लिख लिया, ये जो फैक्टर है ना हमने इसको जीएक्स ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? जीएक्स ले लिया। इक्वल टू में जीरो ले लिया, माइनस का बन जाके क्या हो गया? प्लस का वन हो गया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? वन। पुटिंग इन फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट मान लिया। या और करके लिख लेना, हमने किसमें पुट कर दिया? फर्स्ट में पुट कर दिया। जहां x है वहां आपको वन पुट करना बच्चों। माइनस का टू जाके प्लस का टू जाके क्या हो जाएगा? उधर माइनस का टू हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहां पर आपको पता है जीरो हमने क्यों पुट किया? क्योंकि तो उसने बोला फैक्टर है। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो। इसलिए जीरो लिखा है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि रिमाइंडर फोर दे रखा है तो आप ये जीरो नहीं ले सकते, तब आपको फोर लिखना पड़ेगा। ये चीज मैं बता रहा था। यहां तक समझ में आ गया पहला पार्ट? एक और पार्ट देख लो, बाकी आपको पार्ट सारे घर पर करने होमवर्क में। मैं इसका थर्ड पार्ट आपको करवा रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, टफ से टफ पूछना हो, एक्स्ट्रा पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही करना है। पीएक्स अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जीएक्स उसने एक ही दिया हुआ है। एग्जाम में खाली एक ही पार्ट देगा कोई सा भी, ठीक है, और हो सकता है बुक का ना दे, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इक्वल टू में जीरो लिखा, सेम वैसे ही करना है। माइनस का बन जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का वन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? पुटिंग इन फर्स्ट, जहां जहां एक्स है वहां आपको क्या पुट कर लेना है? वन पुट कर लेना है। क्या पुट कर लेना है? वन पुट करना है। इसके यहां पर क्या लिखना है? जीरो। क्यों लिखना है? फैक्टर है। अगर ये फैक्टर ना होगा, रिमाइंडर दे रखा होगा तो क्या लिखेंगे? वो रिमाइंडर लिख देंगे, माइनस का फोर, माइनस का टू, माइनस का थ्री, कुछ भी दे रखा होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा चीजें आएंगी और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस का रूट टू जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का वन जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब मैं आपको ऐसे करता हूँ, फोर्थ पार्ट भी करवा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज चेंज कर करके ना अपने आप कर लेना। जैसे यहाँ पर थ्री लिखा है, फोर लिख लिया, यहाँ के लिखा है, यहाँ पे आपने टू के लिख लिया, थोड़ा सा चेंज कर करके अपने आप किया करो। अगर अच्छे से नंबर लाने हैं तो, अच्छे नंबर लाने हैं तो ये दे रखा है हमें, वही जीएस कितना गिवन है हमें, सेम लेंगे। इक्वल टू में क्या लेंगे? जीरो लेंगे। माइनस का वन क्या हो जाएगा? प्लस का वन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे फर्स्ट में, या और करके ये लिख लेना, और करके लिख लेना। और ये आप क्या कर रहे हो? पुटिंग इन फर्स्ट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एक्स बराबर एक, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, ये आप पुट कर दो। जहां जहां एक्स है ना खाली वहीं आपको वन पुट करना है, कहीं और मत पुट कर देना। के की जगह पुट कर दो, के तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये आ गया। के की किसी में मल्टीप्लाई करो, एक में मल्टीप्लाई करो, किसी के भी वही आता, तो के ही आ गया। थ्री वन जो थ्री हो गया, माइनस का थ्री जाके क्या हो गया? प्लस का थ्री। के कितना हो गया? टू के। तो के इक्वल टू कितना आ गया हमारा? थ्री अपॉन में टू आंसर आ गया। समझ आ गई? ठीक है बच्चों, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बात और बोल दूं, इसका जो अगले क्वेश्चन है उसका आप लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।